हाँ जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। हाँ जी, पुराना रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिवीजन भैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज सैटरडे, कल संडे, संडे को छुट्टी मिलेगी, सारा रिवीजन निपटा दीजिए। एक दो क्वेश्चन पूछूं चेक करने के लिए कि कल वाला क्लास याद हुआ कि नहीं हुआ। नहीं जी, पांडे भाई संडे ऑफ रहेगा, संडे का आपका टाइम रहता है, आप सारा जितना कुछ पढ़ाया उन सब का एक कंप्लीट रिवीजन मिल जाए आपको, ठीक है? संडे को आपको क्या करना है, जितना भी आप वीक, पूरा वीक पढ़ेंगे उसको कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए। एक दो सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कि कितना याद है। आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से लैंडलॉक कंट्री बतानी है, कल पढ़ी थी हमने, लैंडलॉक कंट्री बतानी है आपको। ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है कंबोडिया, सी ऑप्शन है लाओस और डी ऑप्शन है थाईलैंड। बताइए इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सा था, कल अपन पढ़ चुके हैं, अपन कौन सा लैंडलॉक पढ़े थे। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, तो आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत बेहतरीन। लैंडलॉक कौन सा है, लाओस है। अच्छा, लाओस की कैपिटल बता सकते हैं क्या, लाओस का कैपिटल क्या था, देख के जल्दी से बताइए, लाओस का कैपिटल। बहुत प्यारा सा कैपिटल था। एक प्यारा सा कैपिटल था लाओस का, बताइए। लाओस तो हो गया, करेक्ट आंसर लाओस है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री, करेक्ट आंसर इज लाओस। मैं पूछ रहा हूँ लाओस की कैपिटल क्या पड़ी थी हमने कल, बहुत बढ़िया, लाओस की कैपिटल पड़ी थी वियतनाम। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट करें उससे पहले मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करने, जैसे कुछ लोगों का बार बार मैसेज आ रहा है, ये जो हमारा कोर्स है, ये 4000 का कोर्स हमने निकाला है, इसमें हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लिएगा कि 4000 का 20% डिस्काउंट कितना होता है। देखिए कई लोगों को लग रहा है कि ये एक साल में कोर्स कंप्लीट होगा क्या, तो उसमें मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ड्यूरेशन इसकी एक साल है। ये कोर्स हमारा टारगेट है कि जब आपका एसआई का मेंस पेपर होगा उससे पहले पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो आपको कोर्स के ड्यूरेशन मिलेगा, कि ऐसा तो है नहीं कि आप एसआई देंगे बाकी सब खल्लास और भी एग्जाम्स देंगे, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो कोर्स तो हम एसआई मेन से पहले खत्म कर देंगे, उसके बाद साल भर आपको गाइडेंस प्रोवाइड रहेगी, क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पॉसिबल होगा हम साल भर करेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस पॉसिबल होगा पूरी साल हम करते रहेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ एसआई मेंस टारगेट नहीं करना है आपको, आपको और भी जो साइड में एग्जाम्स है एलडीसी यूडीसी ये तो आते रहते हैं, इन सबको भी टारगेट करना है, तो इसीलिए एक साल के कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स निकाला है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है, प्रोफेशनल है, जो हाउसवाइफ है, जिनके पास रेगुलर टाइम नहीं रह पाता है, तो उनको सोच के हमने ये कोर्स बनाया, तो जो क्लासेस की टाइमिंग्स वगैरह ये रहेंगी वो इस तरह से फ्लेक्सिबल रहेंगी कि सब लोग उस क्लासेस को ज्वाइन कर पाए, ठीक है। और ये साल भर में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कोर्स आपका एसआई मेन से पहले हो जाएगा, बट इसकी जो ड्यूरेशन है कि वीडियोस वगैरह जो आपके पास रहेंगी वो एक साल तक आपके पास रहेंगी, आप उनको कितनी बार भी रिवाइज करके देख सकते हैं, आपको पूरा एक साल हमारी तरफ से गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको प्रिपरेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस वो कर सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ वन ईयर।
और देखिए ये कोर्स ऐसा है कि अगर आपने कहीं ज्वाइन भी कर रखा हो तो 4,000-3,000 कोई एक बहुत नॉमिनल सी फीस होती है। इसमें पूरा आपको 3,200 में कोर्स पड़ जाएगा। तो एक नॉमिनल सी फीस में आप ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं ज्वाइन कर भी रखा है तो उसके अलावा भी ये आपके पास एक्स्ट्रा में रहेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एज ए हेल्पिंग हैंड। तो ये हमारे कोर्स का पर्पस है, क्योंकि अराउंड 70-80 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो ऑलरेडी इस कोर्स के लिए एनरोल कर चुके हैं। तो उन उन सब का यही कहना कि सर इतना सस्ता तो कोर्स कोई भी अफोर्ड कर सकता है, तो इसका कंसर्न नहीं है, ठीक है। और हमारा टारगेट यही है कि एक फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट आपको ना दिया जाए, एक लिमिटेड अमाउंट में ही आपको कोर्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए। कोई बहुत ज्यादा हाई अमाउंट हम आपसे चार्ज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब हमने करना पड़ता है क्योंकि ताकि थोड़ा सा हमारा भी मुराल बना रहे और जो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो सारे हम खर्चे भी निकाल पाए। तो ये थोड़ा सा डाउट था, कई लोग पूछ रहे थे कि साल भर में खत्म होगा। नहीं भैया, साल भर में नहीं होगा, SI मेन से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब आज का हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। चलिए फिर SI ये आपका डेली करेंट अफेयर्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, हु हैज वॉन द 2020 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। पहले तो बताने किस कंट्री ने जीती है UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। दूसरा डैश, किस पर्सन को गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, बताइए गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है। हाँ जी बताइए, हु हैज वॉन द 2020 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। देखिए रिगार्डिंग द कोर्स, अगर कोई आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका क्वेरी है, डाउट है, तो ये नंबर है 8076535685, ये इधर भी डिस्प्ले कर रखा है, इस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये अमरजीत सर का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग एनी रजिस्ट्रेशन। आपको कोई भी क्वेरी है हमारे पेज से तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सारे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है, 8076535685, बट इस पर आपको व्हाट्सएप भी करना है। हाँ तो करेक्ट आंसर बताइए मेरे को, रोनाल्डो फ्रॉम पोर्टुगल। नहीं, रोनाल्डो तो बहुत सही बात है, पोर्टुगल से थे, लेकिन कंट्री कौन सा जीता है UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, कौन सा कंट्री जीता है, इंग्लैंड। नहीं भैया, इंग्लैंड तो नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे, इटली जीता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, इटली जीता है। और गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, वेयर इज NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड प्लान लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेटअप इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक हमने कल भी बात करा था, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इंडस्ट्री आपकी कहाँ पर लग रही है, कल हमने देखा था मथुरा में लग रही, IOCL लगा रहा है। तो उसी ग्रीन हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट कह सकते कंसेप्ट है, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री के एम में काफी क्लोज है, तो प्रधानमंत्री को काफी पसंद है ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसलिए सवाल आने के भी चांसेस ज्यादा है। तो ये बताना NTPC का रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड प्लानिंग कर रहा है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ बन रहा है प्रोजेक्ट, मिजोरम में, चंडीगढ़ में, सिक्किम में या लद्दाख में। एवरीवन कहाँ लग रहा है, देखिए नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल एंजॉयमेंट के मूड में देख रहे हैं, आंसर्स करिए। देखिए एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन सभी बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे जब आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर रखी होगी, यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे होंगे, तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। जो यहाँ अटेम्प्ट करेगा वही एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर पाएगा, अपनी तरफ से कोशिश जरूर करिए। तो करेक्ट आंसर इज लद्दाख, ठीक है। कहाँ बना रहे हैं, लद्दाख में बना रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू इंप्लीमेंट इंडियाज भीम यूपीआई। ठीक है, भीम यूपीआई को इंप्लीमेंट करने वाली पहली फॉरेन कंट्री कौन सी है फॉर इस क्यूआर डिप्लॉयमेंट, यानी भीम यूपीआई यूज करने वाली पहली फॉरेन कंट्री पूछ रहा है कौन सी है। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, अपना पड़ोसी है, बताना है कौन है। भीम यूपीआई यूटिलाइज इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया, वो इंडिया का कौन सा दोस्त है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है या श्रीलंका है, बताइए जल्दी से। कौन सा कंट्री है भीम यूपीआई इंप्लीमेंट करने वाला पहला कंट्री जो है अपना दोस्त भूटान है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज भूटान। तो यहां पर आप मेरे को बताइए भूटान की कैपिटल और करेंसी। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, कंट्री तो भूटान है, अब आपको क्या बताना है भूटान की कैपिटल। ठीक है, क्या बताएंगे भूटान की कैपिटल और करेंसी, जल्दी से बताइए, कैपिटल बताइए भूटान की और करेंसी बताइए। जब भी कोई भी कंट्री दिखे तुरंत कैपिटल बता देनी, तुरंत करेंसी बता देनी। चलिए कैपिटल तो हो गई थिम्पू, करेंसी बताइए भूटान की। भूटान की करेंसी कैपिटल तो थिम्पू है नो डाउट, और करेंसी हो जाएगी नगुलत्रुम। ठीक है, नगुलत्रुम ये है करेंसी भूटान की। अच्छा, जो यूपीआई है ये भीम यूपीआई, ठीक है, भीम यूपीआई ये किसने बनाया है, ये भीम यूपीआई इज डेवलप्ड बाय किस बॉडी ने डेवलप किया है। भीम यूपीआई इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, बहुत बढ़िया भैया, रुपी नहीं है भूटान ही, रुपी नहीं चलता ना, बोलत्रुम चलता है वहां पे। अब मैं पूछ रहा हूं जो भीम यूपीआई है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, नो आइडिया, कोई बात नहीं, सॉल्ट मार्क जी ने आंसर दिया, और लोग बताइए भीम यूपीआई किसने डेवलप किया है। हाँ, तो भीम यूपीआई एनपीसीआई ने डेवलप किया है। जितना भी इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है वो कौन करवाता है, एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म बता दीजिए, एनपीसीआई की फुल फॉर्म, कोई बात नहीं, मालूम नहीं तो आप लिख लीजिए, भीम यूपीआई डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी है, एनपीसीआई। तो कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी बता दे। नहीं भैया, यूआईडीएआई नहीं, यूआईडीएआई ने आधार कार्ड रिलीज करा है, यूआईडीएआई ने आधार कार्ड बनाया है। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी बता दीजिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, यूपीआई की बता सकते हैं फुल फॉर्म यूपीआई की, देखिए यही सब जीके में घूम घूम के सवाल बनते रहते हैं, तो ये सब आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी रहेगी। यूपीआई की फुल फॉर्म बता दीजिए, एनपीसीआई की तो आप लोग बहुत बढ़िया बता गए, करेक्ट है आंसर आपका, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप मेरे को बताइए यूपीआई की फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया, सॉल्ट मार्च सबसे आगे चलते हुए करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यूपीआई बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है,
यूपीआई बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई डेवलप किसने करा है? एनपीसीआई ने। और इसको पहली बार कौन सा फॉरेन कंट्री यूज कर रहा है? भूटान यूज कर रहा है। भूटान की भी हमने बात कर ली है, थिम्पू कैपिटल है, करेंसी इज नगुल्तुम। अब देखिए ऐसी चीजें आपकी कनेक्ट होती है, एक चीज से कितनी चीज बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जुलाई 2021 में एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन रहे यशपाल शर्मा, ठीक है, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? इंडिया को उन्होंने किस फील्ड में रिप्रेजेंट करा था? जल्दी से बताइए, यशपाल शर्मा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर बताना है। देखिए सॉल्ट मार्क जी ने आंसर दे दिया क्रिकेट, बाकी लोग बताइए। मेजोरिटी इज विद क्रिकेट बट बिबॉय कह रहे हैं फुटबॉल। सो फुटबॉल भी आ रहा है आंसर, बॉक्सिंग भी आ रहा है और क्रिकेट भी आ रहा है। अब इसमें तो मेजोरिटी भी नहीं बन रही है, क्या कहूं मैं। देखिए इस बार आपका एलडीसी में इन्होंने क्या करा, एक सेक्शन होता है एक्चुअली जीके में, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज करके एक सेक्शन होता है। तो अभी जो आपका ऐसा ही स्क्रीनिंग हुआ, उन्होंने एक अमेरिकन सिंगर का नाम उठा के, वो भी आज का नहीं, 1980s का बहुत पुराना एक सिंगर था, उसका नाम उठा के पूछ लिया था, ठीक है। तो जब वो इस हद तक जा सकते हैं तो हम भी एटलीस्ट इंडिया के जो पुराने पर्सनालिटीज हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनका हमें भी जरूरी हो गया नाम याद रखना। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था दिलीप कुमार से रिलेटेड, इस बार क्वेश्चन उठाया यशपाल सर शर्मा से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन उठाने का पर्पज यही है कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वो पूछ रहा है ना पास्ट में जा जाके, तो वो भी एक क्वेश्चन आप कर पाए, वो क्वेश्चन आपका ना छूटे। यही तरीका आपको भी अपनाना होता है, एक बार आपसे एग्जाम निकल गया तो उससे सीखना होता है, वो चीजें आगे एग्जाम में इंप्लीमेंट करनी होती हैं। आपको ये नहीं करना होता कि अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं छोड़नी होती, गिव अप नहीं करना होता। अगर गिव अप कर दिया तो जितना भी अभी तक पढ़ा है ना, सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ये आपकी मेहनत यूटिलाइज हो, तो पढ़ाई ना छोड़ें, ठीक है, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई से मोटिवेशन डाउन नहीं करना, अपना मोराल बूस्ट करके रखना है। ये सब छोटी मोटी परेशानियां लगती रहती हैं, और वैसे भी अगर एग्जाम टफ था तो सिर्फ आपके लिए नहीं था, पूरी जनता के लिए टफ था। तो रिजल्ट तो अभी भी रिलेटिव आएगा, जिसने ज्यादा पढ़ाई की होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा, जिसने कम पढ़ाई की होगी वो कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया होगा। तो इस वजह से रिजल्ट तो अभी भी ऑलमोस्ट आपका वैसे ही आएगा आपकी मेहनत के हिसाब से। तो उसमें ये घबराना नहीं है कि मैं कम क्वेश्चंस कर पाया ज्यादा क्वेश्चंस कर पाया, और अब जो होना था सो हुआ, अगर आपने मेहनत करी थी तो अच्छी बात है। अगली और भी एग्जाम्स है उनमें भी मेहनत करिए, ठीक है, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इवन मैं हम तो कहेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज भी प्रिपेयर करिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटीज देती है अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, तो उसको आप यूटिलाइज करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, एसएससी वगैरह ये सब देते रहा करिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो सारे कंपटीशन दे दीजिए। कंपटीशन का सीधा उसूल यही है, एक एग्जाम नहीं देना, सारे एग्जाम्स देने, कोई एग्जाम नहीं छोड़ना है, ठीक है, सब एग्जाम देने। तो चलिए हम वापस आते हैं, जुलाई 2021 में यशपाल शर्मा जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? वो आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जुलाई 2021 में अभी रिसेंटली शेर बहादुर द्यूबा, शेर बहादुर द्यूबा किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने?
आपको नहीं होना है मैडम, सबको पीसीएस वालों को बनाना है। आप अपनी तैयारी और डाइवर्स करिए, हम और डाइवर्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि हर तरीके से एसआई के वो एपी पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ऐश्वर्या जी अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, हाँ तो बताइए शेर बहादुर द्यूबा बिकेम द पीएम ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के वो पीएम बने। बहुत बढ़िया, यूनानिमसली एक ही आंसर आ रहा है, डी नेपाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, नेपाल। अच्छा नेपाल की कैपिटल बताइए और करेंसी बताइए, ये तो सब याद करा दूंगा मैं आप लोगों को, कैपिटल करेंसी। नेपाल की कैपिटल बताइए, करेंसी बताइए। अभी रिसेंटली इससे पहले केपी ओली जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, दोबारा इलेक्शन हुए और वहां से नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, नेपाल के शेर बहादुर द्योबा। तो आपको बताना है नेपाल की कैपिटल एंड नेपाल का करेंसी। बहुत बढ़िया, नेपाल की कैपिटल इज काठमांडू, ठीक है, कैपिटल इज काठमांडू और करेंसी इज नेपाली रुपी। ठीक है, रुपी लिख देंगे तो लोग शायद कंफ्यूज कर देते हैं कि इंडिया में भी रुपी चलता है, तो करेंसी वहां पर नेपाली रुपी है। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर स्टार्टअप ब्लिंक्स ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इंडिया वाज रैंक्ड डैश एज डैश बेस्ट कंट्री, व्हाइल इन द सिटी वाइज कैटेगरी डैश वाज रैंक्ड 10th बेस्ट सिटी फॉर स्टार्टअप। यानी आपको ये बताना है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स अभी निकाला था स्टार्टअप ब्लिंक्स ने, ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स निकाला गया, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी और सिटी वाइज कैटेगरी में 10th बेस्ट सिटी कौन सी निकल के आई है। तो दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले तो ये सोचिए इंडिया की रैंक कितनी थी, 20 थी, 13 थी, 23rd थी, कितनी थी। इंडिया की रैंकिंग भैया कितनी है, जो में करंट 20th 13th, मतलब इतना तो क्लियर है कि बेस्ट सिटी बैंगलोर को बोल रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको बैंगलोर को तो बोल देंगे बेस्ट सिटी, तो इसका मतलब या तो इंडिया की रैंक 13th है या 20th है, तो इसीलिए आप लोग भी तुक्का 13th या 20th में ही लगा रहे हैं। नोएडा या बैंगलोर में नहीं होना चाहिए, स्टार्टअप के लिए बैंगलोर ज्यादा अच्छी जगह है, तो ऑब्वियसली बैंगलोर को ही प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर बैंगलोर करेक्ट है तो या तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा, तो दो ऑप्शन आपने डायरेक्ट यहां से एलिमिनेट कर दिए। चलिए करेक्ट आंसर बताते हैं, करेक्ट आंसर इज इंडिया की रैंक थी 20 और टेंथ बेस्ट सिटी था बैंगलोर, दुनिया में 10th नंबर पे था बैंगलोर और इंडिया में टॉप पर है, इंडिया में बैंगलोर टॉप पर है, तो करेक्ट आंसर इज डी 20th एंड बैंगलोर। ठीक है, 20th एंड बैंगलोर। स्टार्टअप ब्लिंक ने जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की रैंक निकाली है उसमें इंडिया का स्कोर था 8.833, इसकी वजह से आउट ऑफ 100 कंट्रीज इंडिया की रैंक कितनी है, 20 है। इंडेक्स टॉप किसने करा, यूनाइटेड स्टेट ने टॉप करा, ठीक है। उसके बाद अगर सिटी वाइज रैंकिंग की बात करी जाए तो सबसे टॉप पे कौन सी सिटी है, सैन फ्रांसिस्को है सबसे टॉप पे, और इंडिया में सबसे टॉप पे बैंगलोर है जिसकी ग्लोबली कितनी रैंक है, 10th रैंक है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमने आपको प्रोवाइड कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जून 2021 में द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अमिताभ कंत। अमिताभ कंत क्या थे, नीति आयोग में सीईओ थे, चेयरमैन थे या वाइस चेयरमैन थे, ये पूछ रहा है ऑफ नीति आयोग भाई। तो उनका जो टेन्योर है कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए या 1 साल के लिए। तो पहले तो ये बताइए अमिताभ कंत अभी तक नीति आयोग में कर क्या रहे थे,
अमिताभ कंत नीति आयोग में किस पोजीशन पे, पहले तो ये बताइए। सीईओ। सी आंसर कैसे? देखिए इतना तो आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो पता होगा, अमिताभ कंत सीईओ हैं नीति आयोग के। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव है, ठीक है। तो अमिताभ कंत कौन थे? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। और उनका टेन्योर, अब देखिए इतना दिख गया ना सीईओ, तो यानी इतना तो हमें क्लियर हो गया ऑप्शन ए या डी में से कोई एक है, और टेन्योर उनका एक साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो करेक्ट आंसर इज डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एक इंटरनेशनल बॉडी है, न्यूज में बना रहता है, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन है ग्लोबल लेवल पे उसको ये रेगुलेट करता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक रैंकिंग आई है, रैंकिंग का नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक पूछ रहा है, हम साइबर के मामले में कितना सिक्योर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, जो कि रिलीज करिए आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। बताइए कमेंट्स ऑफ हो गए, एक मिनट में ऑन कर लू। सीरियसली 43-47 कैसे आंसर दे रहे हैं आप लोग? लग रहा है ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है किसी को। ये ईमानदार आदमी जम्बा तांगे नहीं पता, बेम मोम्पा जी कह रहे हैं डी आंसर। और लोग बताइए क्या है करेक्ट आपके हिसाब से। क्या है आप लोगों के हिसाब से करेक्ट? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जो लोग आंसर कर चुके हैं वो मेरे को बताएं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कमेंट करिए जो लोग बता चुके हैं इसका आंसर। सही आंसर करिए इसका कमेंट। बहुत बढ़िया, पढ़ा था लेकिन भूल गए। याद रखिए, कोशिश करिए चीजों को याद रखने की, ऐसी तो याद रहेगा जितना आप इसको। भूलना तो इंसान का नेचर है, अगर आप नहीं भूल रहे हैं तो वो खतरे वाली बात है, भूल रहे हैं तो मतलब हाँ आप इंसान हैं, ये इंसान का नेचर है आपको। लेकिन करना क्या है, आपको आपको बेसिकली ये याद रखना है। रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो ज्यादा मामला गड़बड़ होगा। चलिए अब आंसर देखते हैं। हाँ तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 10th रैंक है, और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका हेडक्वार्टर याद रखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, हमारी 47th रैंक थी 2018 में, 47th रैंक थी, अब कितनी हो गई है, 10th रैंक हो गई है। ऑलराइट,
नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ. एक रिपोर्ट है, नाम क्या है, एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ. इस रिपोर्ट को रिलीज किसने करा है, ठीक है, किसने रिलीज करा है. क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर सही दीजिएगा. इसका चलिए बस एक मिनट में आ रहा हूं. बताइए, ए ऑप्शन. बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर है WHO. WHO का हेडक्वार्टर बताइए. देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेडक्वार्टर्स हो गए, प्लस कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स, करेंसीज हो गई, तो ये बहुत हैवी चीज है, याद करने बैठेंगे परेशान हो जाएंगे. तो इनको याद करने का तरीका ही यही होता है कि आप करेंट अफेयर्स में जब भी इनके बारे में पढ़ें तुरंत या रिमाइंड कर रिवाइज कर लें तुरंत. ये चीजें किसी के भी दिमाग में नहीं बैठती, ये रिवीजन से ही आती है. तो बार बार जब आप इनको रिवाइज करेंगे ना, जैसे जब जब आप करेंट अफेयर्स पढ़ लें WHO का नाम आए तो खट से आपको तुरंत याद कर लेना कि हाँ WHO का हेडक्वार्टर क्या था. ठीक है भैया बेबू जी, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है बट एक्सपेक्टेड है सितंबर तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए हर हाल में. बहुत बढ़िया, तो इसका हेडक्वार्टर WHO का कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड. ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. डैश इज द थीम ऑफ 2020 बॉस नेशनल डॉक्टर्स डे. ठीक है, हम सबको पता है 1 जुलाई, नहीं पता है तो याद रखिएगा 1 जुलाई क्या सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिया में. इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होता है किस दिन, 1 जुलाई को. तो इस बार भी सेलिब्रेट हुआ था, तो ये पूछ रहा है कि इस बार की थीम क्या थी वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पे, इस बार की थीम क्या थी, और दूसरा ये जो डॉक्टर्स डे मनाते हैं ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाते हैं. इंडिया में कौन से डॉक्टर के नाम पे आप डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 1 जुलाई को, ये पूछ रहा है. ठीक है, क्वेश्चंस आपके मजे के हिसाब से तो नहीं बनेंगे ना, क्वेश्चंस तो जो आपके होते हैं फैक्चुअल हो गए, कंसेप्चुअल हो गए, जो भी बनते हैं वो हम क्वेश्चंस कवर करते हैं. अब क्वेश्चंस हमारे हिसाब से नहीं चल सकते ना. सेव द सेवियर्स, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी. नहीं जी, बंगाल के एक डॉक्टर थे. ठीक है, हिंट दे रहा हूं चलो आपको, बंगाल के डॉक्टर थे, तो अब किसको लगाएंगे आप लोग. ऑलराइट, तो जो थीम थी आपकी वो यही थी, सेव द सेवियर्स. ठीक है, सेव द सेवियर्स ये थीम थी, और इसमें ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क कर रहे हैं, डॉक्टर विधान चंद्रा रॉय. ठीक है, बंगाल के काफी बड़े डॉक्टर हैं विधान चंद्रा रॉय. तो करेक्ट आंसर इज डी. तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज डी. इस ये भी आप लोग कई लोग इसमें गड़बड़ा गए, कई लोगों का क्वेश्चन ये सही नहीं हुआ. क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज डी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 पे. अभी 2021 में इंडिया ने एशिया का लॉन्गेस्ट और दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट
एक ट्रैक बनाया, हाई स्पीड ट्रैक बनाया, उसका नाम क्या है, नेटरैक्स, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, मतलब एक ट्रैक है जहां पर आप व्हीकल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो नेटरैक्स बनाया है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा कि अभी जो इंडिया ने नेटरैक्स बनाया, जो इंडिया का वो एशिया का लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड में फिफ्थ लॉन्गेस्ट है, तो आपको बताना है वो इंडिया में कहां पर बनाया है, चेन्नई, नोएडा, पुणे, इंदौर, नेटरैक्स की लोकेशन बतानी है बेसिकली आपको। नेटरैक्स की लोकेशन बतानी है, इंदौर में काफी एक खाली जगह पड़ी है इसी के लिए, व्हीकल टेस्टिंग वगैरह के लिए। करेक्ट आंसर इज इंदौर, ठीक है, इंदौर। कहां पर है इंदौर, एमपी में। सफाई वगैरह में इंदौर का बहुत नाम आता रहता है, क्लीनलीनेस, नंबर वन क्लीन सिटी कही जाती है इंदौर। इंदौर और भोपाल ये दोनों सिटी सफाई के नाम में सबसे आगे रहती है। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो अभी हाँ ये देख लेते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर थे पहले प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया एशिया का लॉन्गेस्ट और दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट 11.3 किलोमीटर नेटरैक्स। इंडिया में कहाँ है ये, पीतामपुर जगह है, इंदौर एमपी में, जो पीतामपुर एरिया है ना पूरा इंदौर का, वहां पे यही सब चलता रहता है, जैसे आपके जितने भी ट्रक्स वगैरह है उनकी टेस्टिंग वगैरह आपका वही पीतामपुर में होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ ट्रेडर्स वर रिसेंटली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमएसएमई, एमएसएमई को फुल फॉर्म बता सकते हैं, एमएसएमई, एमएसएमई मतलब जो छोटा सेक्टर है इंडिया का, भैया रैबिट वाला कहां से लाऊं मैं सवाल, रैबिट वाला तो वही स्पेशल है, रैबिट वाला तो स्पेशल सवाल है, वो पीसीएस वाले रूम के ला पाते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रेडर्स वर रिसेंटली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर बताइए, बहुत बढ़िया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बेसिकली जो 250 करोड़ से कम के टर्नओवर के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, 250 करोड़ से कम के टर्नओवर के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें हम एमएसएमई सेक्टर बोल देते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया। तो अभी दो तरीके के और सेक्टर्स हैं, जैसे रिटेल ट्रेडर्स और होलसेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं, जैसे आप जिस दुकान पे जाते हैं, आप जिससे शैम्पू खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स। बट ये रिटेल ट्रेडर्स जिस पर्सन से सामान खरीदते हैं, जैसे अगर आप जाएंगे तो आप चिप्स का एक पैकेट खरीदेंगे, बट जो रिटेल ट्रेडर है वो एक पूरा कार्टन खरीदेगा चिप्स के पैकेट का, तो जो पूरा कार्टन सेल कर रहा है वो कौन हो गया, होलसेल ट्रेडर, जो चिप्स का पूरा कार्टन सेल कर रहा है। और जो पर्सन आपका एक एक इंडिविजुअल चिप्स का पैकेट सेल कर रहा है वो क्या हो गया, आपका रिटेल ट्रेडर। तो इसी तरह के जो रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स है उनको भी रिसेंटली डिसाइड किया है कि हम एमएसएमई सेक्टर में उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ वन एंड टू, रिटेल एंड होलसेल, वैसे यहां पर ये आना चाहिए बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इन जुलाई 2021 इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द 7th इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम आइंस, ठीक है, एट ला रियूनियन इन इंडियन ओशियन। तो अभी जो इंडियन ओशियन की नेवल आपका एक कह सकते हो सिंपोसियम ऑर्गेनाइज हो रहा है रियूनियन आइलैंड में, रियूनियन आइलैंड फ्रांस के आइलैंड है, तो वो पूछ रहा है किस कंट्री ने इस इवेंट को होस्ट किया था। आयंस, आयंस इवेंट को किसने होस्ट किया है, आयंस को होस्ट करने वाला कंट्री बताइए। करेक्ट आंसर चाहिए मेरे को,
वैसे आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये इवेंट जहां पर हो रहा है ना, ये रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड फ्रांस के आइलैंड है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? डी, फ्रांस। रियूनियन आइलैंड, अच्छा अभी देखते हैं लोकेशन। तो जो आयंस, एक तरीके से ये एक मल्टीलेटरल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप अपने पड़ोसियों के साथ मैरिटाइम कोऑपरेशन की बात करते हैं, मतलब मरीन लाइफ में, आपके ओशियन में, नेवीज में कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो ये फ्रेंच नेवी ने होस्ट किया था। तो ये आप थोड़ा सा दिए, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। ये जैसे ये आपका इधर ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, अफ्रीका के पास एक आइलैंड है मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर को रेफरेंस लेके आप कुछ आइलैंड्स की लोकेशन हमेशा याद रखिए कि एक एक सेशल्स आइलैंड भी आपको यही मिलेंगे, बहुत एक फेमस कंट्री है सेशल्स आइलैंड, इनके आइलैंड कंट्री है सेशल्स। इसके बाद ये मॉरिशियस है, ठीक है, ये भी एक कंट्री है। तो ये मॉरिशियस है, इसके जस्ट नीचे, मॉरिशियस के जस्ट नीचे आपको एक आइलैंड मिल रहा है, नाम क्या है? रियूनियन आइलैंड, ठीक है। तो ये रियूनियन आइलैंड किसके हैं? फ्रांस के। तो आपका सेशल्स हो गया, मॉरिशियस हो गया, रियूनियन हो गया, ये सब आसपास में। तो लोकेशंस का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि लोकेशंस इनकी कहां पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इंडिया एंड चाइना रिसेंटली ज्वाइंड द G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील। The framework has fixed the global minimum corporate tax at dash and set to come into force by, ठीक है। अभी recently OECD की एक डील हुई थी, G20 OECD की टैक्स फ्रेमवर्क डील हुई है, तो उसमें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स फिक्स किया गया है। बेसिकली होता क्या है, जैसे जो आपकी डिजिटल कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो ये कंपनीज क्या करती है, टैक्स बचाती है। कैसे बचाती है? जैसे अब ये इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे भैया हमारा हेडक्वार्टर आपके यहाँ है ही नहीं, हमारी बस एक ब्रांच ओपन है, तो हम आपको टैक्स क्यों दें? हम टैक्स वहां देंगे जहां पर हमारा हेडक्वार्टर होगा। तो ये कंपनीज अपना हेडक्वार्टर कहां बनाएंगी? ऐसी कंट्रीज में जहां पर टैक्स रेट बहुत कम होता है, लाइक जैसे आपका लग्जमबर्ग जैसी कंट्री है, यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं लाइक लग्जमबर्ग, तो इनको टैक्स हेवन कंट्रीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज को जो टैक्स बचाना होता है तो ये यहां पर जाके अपना हेडक्वार्टर खोल देंगी और यहां पर बहुत मिनिमम टैक्स देना पड़ता है। बट ये भी तो लॉजिकल है कि ये कंपनीज इंडिया के पॉपुलेशन से इतना डेटा उठा रही है, इतना प्रॉफिट कमा रही है, तो इन्हें इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना चाहिए। और भी कंट्रीज हैं, वो भी परेशान है कि उनको भी टैक्स नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए एक मीटिंग हुई थी G20 की और OECD। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इसमें यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और एक G20 ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी डिजिटल कंपनीज होंगी उन पे हम मिनिमम कुछ ना कुछ टैक्स लगाएंगे, भले वो हमारी कंट्री में हेडक्वार्टर बनाए ना बनाए, बट ग्लोबली कुछ ना कुछ तो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स उन पे लगेगा ही लगेगा। तो वो कितना टैक्स लगेगा वो बताना है, और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स वाला फीचर है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये कब से लागू होगा ये बताना है। आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कब से लागू होगा ये बताना है। तो टैक्स तो देखिए 15% फिक्स करा है, 15% फिक्स करा है, और ये चीज आपकी इंप्लीमेंट होगी 2023 से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओईसीडी की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप लोग? ओईसीडी की, कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक ओईसीडी की फुल फॉर्म बता सकता है क्या? OECD का भैया बताइए। करेक्ट आंसर बी है। अब मैं पूछ रहा हूं OECD का फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया, सॉल्ट मार्क्स ने करेक्ट आंसर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। OECD के फुल फॉर्म क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक चीज और बता दीजिए मेरे को, ये ओईसीडी का भैया हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, ठीक है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर और बता दीजिए मेरे को। अफगानिस्तान के नागरिक भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए सब माफ है, कुछ मत बताइए, आप बहुत शांति से पढ़ते रहिए, अफगानिस्तान के नागरिक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हाँ मैं अब क्या पूछ रहा हूँ, ओईसीडी का हेडक्वार्टर बताइए। वाह, आज तो सॉल्ट मार्च पूरा परफॉर्मेंस देते हुए फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर इज पेरिस, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ओईसीडी का ये हेडक्वार्टर है। All right. नीचे वाला भी करेक्ट आंसर भी है, नीचे वाला भी करेक्ट आंसर भी है। अरे भाई जिन जिन ने भी दिया हो करेक्ट आंसर, एक्चुअली कमेंट्स इसमें क्या है ना, ये फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कमेंट्स का, कि पुराने कमेंट्स फिर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते, जैसे मुझे बार बार इसमें ना रिफ्रेश करना रहता है, तो हो सकता है किसी का कमेंट मिस हो गया हो, तो उसको दिल पर मत लीजिए आप, कभी कभी कुछ कमेंट्स मिस भी हो जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 15। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस ड्रोन AD3 दैट वाज डेवलप्ड बाय ग्रीन रोबोटिक्स, ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस ड्रोन दैट वाज डेवलप्ड बाय ग्रीन रोबोटिक्स, ग्रीन रोबोटिक्स एक कंपनी, उसने इंडिया का पहला ऑटोनोमस ड्रेन ड्रोन डिफेंस डोम, डोम मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए ये कोई सर्टेन लोकेशन है, जैसे आयरन डोम इजराइल का बहुत फेमस है, एक सर्टेन लोकेशन में हम क्या करेंगे, कोई भी ड्रोन अटैक नहीं कर सकता, इस हिसाब से हम सिस्टम सेट कर देंगे, मिसाइल्स वगैरह सेट करेंगे, जैसे भी ड्रोन अटैक करेगा फट से एक मिसाइल निकलेगी ड्रोन को गिरा देगी, तो इसी तरह से एक ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम हमने बनाया है, ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया उसको, ठीक है, तो नाम पूछ रहा हूँ उस डिफेंस डोम का। ऑलराइट, तो इसका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, हाँ तो करेक्ट आंसर इज इंद्रजाल, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें, इंद्रजाल होगा, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस ड्रोन है वो, दैट वाज डेवलप्ड बाय ग्रीन रोबोटिक्स, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंद्रजाल। चलिए तो आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम वही अपना मैप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, जैसे इधर साइड वाले जापान वगैरह कंट्रीज कर लिया था, इधर हमने इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह कर लिया था, अब इधर सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा देखिए इसका रिवीजन जरूर मेंटेन रखिए, ठीक है, रिवीजन आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं इसका रिवीजन जरूर मेंटेन करिए, अगर रिवीजन मेंटेन नहीं करेंगे तो ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं, जैसे कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले पढ़ा था वो भूल गए थे, कोई इशू नहीं आप भूल गए थे, लेकिन जरूरी ये है कि जब भी वो न्यूज में आए आप उसको खट से रिवाइज कर लें, अगर अलग से रिवाइज करने जाएंगे तो बहुत हैवी बर्डन हो जाएगा, न्यूज में जो चीजें आती रहे उनको ज्यादा रिवाइज करिए और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो जो भी पढ़े न्यूज के हिसाब से पढ़े और न्यूज़पेपर कोशिश करें जरूर पढ़े, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा तो अरुणाचल टाइम्स ही पढ़ लें, बट बेस्ट पॉसिबल आपके लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको ठीक लगे, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में दोनों आप पढ़ के देख सकते हैं, द हिंदू थोड़ा सा बस ये वोकैबुलरी बहुत टफ है उसकी, इंग्लिश काफी टफ है,
इंडियन एक्सप्रेस कंपैरेटिवली इज लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो दोनों ही आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर वहां कोई पेपर अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि एक दिन बाद अवेलेबल हो जाता है द हिंदू वगैरह या इंडियन एक्सप्रेस, एक दिन बाद डिलीवर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको कौन सा दो दिन बाद पेपर देने जाना है, आप पेपर खरीद सकते हैं, एक दिन लेट ले सकते हैं, आप एक दिन लेट न्यूज पढ़ लीजिए, एटलीस्ट आपकी कंटिन्यूटी तो मेंटेन रहेगी। तो न्यूज देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं टफ हो इजी हो, एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप न्यूज़पेपर से कितना अटैच्ड हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर से सिर्फ आप करेंट अफेयर्स ही सीखते हैं, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको कोई भी थ्योरी वगैरह में नहीं दे पाएगा वो सारी चीजें आपको न्यूज में मिलती है, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो आपका न्यूज़पेपर करता है। तो चलिए फिर आज यही अलविदा लेते हैं, फिर मंडे से हम क्लास करेंगे, कल आपका ऑफ रहेगा, कल आपको बिल्कुल रिवीजन करना है, ठीक है, और जो आपका एसआई का कम है उसको भूल के आगे बढ़िए, जिंदगी में और भी एग्जाम, ठीक है, उन पे भी मेहनत कीजिए। चलिए फिर, ठीक है, गुड नाइट।